हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। जय मित्र, जय माता जी। तो कैसे हो आप सब लोग? और अभी आज सुबह सुबह के अभी तो 8 बजे हैं, और आज क्या है कि खाद निकालने के लिए जैसी भी आएगी वो 11 बजे शायद आएगी, तो तभी का जो है ब्लॉग की हम शुरुआत करेंगे और खाद निकाल लेंगे। और दूसरा क्या है कि वो जो पेड़ है ना, वो एक गिराना है पीछे से। वो क्यों गिराना है वो मैं आगे दिखाऊँगा, तो ब्लॉग पर अंत तक बने रहें। और खाद इसमें डालना है कि जो भी हमें जीरा लगाना है जो खेत में उसमें ही डालना है, और ज़्यादातर हम वही खेत में हर साल डालते हैं तो वहाँ पर ही डालेंगे। प्रैक्टिस खाद निकालना चालू कर दिया है। दो ट्रेलर डाले हैं, एक वहाँ पर और एक यहाँ पर। ये अभी चारा पड़ा हुआ है ना, इसलिए ढक बना दिए। फिर अभी वो वाले खेत में, फिर दो ट्रेलर एक दूसरे वाले दूर वाले खेत में डालेंगे। अभी जो होगा ना, जितना खाद हो ये वाले खेत में, बाकी जो दो ट्रेलर बचेंगे ना वो एक वहाँ पर एक दूर खेत है ना वहाँ पर डालेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जीरा लगाना है। अब कह सकते हैं कि खेत में खरास होना पड़ रहा है। वैसे लोग ये खरीदते हैं खाद, जिनके पास इतने ज़्यादा एनिमल नहीं होते वो खरीद कर डालते हैं। हमारे पास तो इतने एनिमल है, और 15-20 ट्रेलर जो है खाद निकलता है, 10-15 के आसपास तो होता ही है। तो वो डालेंगे, एक वहाँ पर डाल दिया, दूसरा यहाँ पर, ऐसे थोड़ा थोड़ा अंतर में डालेंगे ताकि फिर इसको फैला देंगे। और जहाँ पर हमारी मूँगफली कमज़ोर थी ना वहाँ पर ज़्यादा डाल रहे हैं, एक उस साइड कमज़ोर थी तो वहाँ पर ही डालेंगे। बीच में ऐसे अच्छी थी थोड़ी सी, क्योंकि यह खेत में हमने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी वो साइड, और लेजर लेवलर जो है करवाया था तो उसके हिसाब से मूंगफली कमज़ोर थी। तभी वहाँ पर है ना सामने वो मिट्टी डाली हुई थी जो ओपनर में निकलती है ना, जिसमें मूंगफली होती है, तो मूंगफली तो हमने ले ली थी, और वहाँ पर जो मिट्टी पड़ी थी ना वो अभी ट्राली में डाल रहे हैं, क्योंकि फिर ये खाद जो है चिपक होता है ना, इसलिए हम जो है नीचे मिट्टी डालनी ही पड़ती, वरना तो ट्राली में ही चिपक जाता है और यहाँ पर गिरता नहीं है, इसलिए नीचे मिट्टी डाल देना तो आराम से गिर जाएगा। तो अभी कुल 6 ट्रेलर निकले हैं, अभी तो और निकलेंगे 10, तो शायद निकलेंगे 10 के आसपास। तो दोनों ट्रैक्टर के होकर 8 ट्रेलर जो है डाल दिए हैं। 1 घंटा शायद अभी नहीं हुआ, या फिर तो हो गया होगा।
दोपहर तक में, अभी तो वैसे 11:30 बज गए हैं, तो दोपहर तक में कंप्लीट हो जाएगा, हो जाना चाहिए मतलब अभी। फिर उसमें दोनों ट्रैक्टर में थोड़ी सी खराबी आ गई है, जो दूसरे भाई का ट्रैक्टर है हमारे यहाँ पड़ोस में ही, तो उनकी जो ट्रैक्टर की वो मेन नली होती है ना, जिससे ट्रेलर जो है हम ऊँचा करते हैं प्रेशर से, ऑयल नली, वो थोड़ी सी टूट गई है, तो उसमें खराबी आ गई, ऑयल निकल रहा है। और हमारे ट्रेलर में वो आगे का जो पहिया है वो बहुत पुराना हो गया था, मतलब कि जब से हमने ट्राली ली है ना 12-13 साल पहले, तब का वो टायर है, बहुत चला है, लेकिन पिछले दो टायर हमने चेंज करवा दिए थे, नए डलवा दिए। आगे के जो दो टायर हैं ना ट्राली के, वो नहीं डलवाए थे, क्योंकि वो थोड़े से चले हम थे, तो उसमें भी थोड़ा सा पंचर हो गया है। तो अभी काम ख़त्म करके सब चेंज करेंगे, वरना नहीं करना, फिर काम अधूरा रह जाएगा। अभी थोड़ी सी झड़प भी रखनी है, आने वाली फसल जो है वो लगानी है, ये खाद वाले जो खेत हैं वो रेडी करने में भी 2-3 दिन चले जाएंगे, इसलिए थोड़ी झड़प है। तो अभी खाद का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, तो कुल कितने 19 ट्रेलर हो जाएंगे, 19-20। यहाँ से शुरुआत की थी, देखो 6 ट्रेलर यहाँ पर, 2 यहाँ बीच में और दूसरे वहाँ पर, और 3 ये वाले जो चारा है ना इसने में फैलाना है हमें, इसलिए जब चारा ले लेंगे ना तब फैला देंगे। तो हो गया कंप्लीट, ये लास्ट ट्रेलर जो है वो भर रहे हैं, 19 ट्रेलर निकले हैं कुल, शायद इतने 19 ही है। अभी एक भरा है वो जाएगा दूसरे खेत, ये भी हमारा भी दूसरे खेत ही जाएगा। तो पेड़ भी गिराया वो आपने आगे देखा, वो था वड़का पेड़, तो क्यों गिराया वो मैं बताता हूँ, उसका भी एक रीज़न था, वरना तो पेड़ गिराने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर ये वड़का पेड़ था, और गिराने के कारण था कि ये एकदम दीवार के नज़दीक था, तो क्या है दीवार थोड़े तिराड़ आने लगी थी, मतलब कि दीवार को तोड़ सकता था पूरा, और ऊपर तक पहुँचता था ना तो वो पत्र भी तोड़ रहा था। मेन रीज़न तो यही है, और फिर दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊँ ना, तो इसमें सांप भी रहने लगे थे, क्योंकि अभी तो हमने साफ कर दिए, इतना नहीं दिख रहा, वरना तो ऊपर तक पूरा ऐसे घना था, तो 1-2 बार इसमें सांप भी हमने देखे थे। और फिर यहाँ पर ये सब है ना, तो इसमें आराम से रह लेते हैं, वो हिसाब से भी क्या है कि हमने इसको निकाल दिया। और बाकी छोटे मोटे रीज़न तो कई सारे हैं, बाकी दीवार के नज़दीक ना होता ना तो हम नहीं निकालते, लेकिन अभी निकालना पड़ा, क्योंकि इसका थड़ जो है वो ग्रोथ करने लगा था, इसलिए दीवार को तोड़ सकता था पूरा, ये जो ढारिया है ना इसलिए। बाकी खाद जो है निकाल लिया है अच्छे से, अभी यहाँ पर एक ट्रेलर और भरेगा, क्योंकि अच्छे से इसको हाथ से भी निकालना पड़ेगा थोड़ा सा फावड़ा लेके। और बाकी चाचा अभी गए थे तो सब ये फोड़ दिया है, फोड़ना मतलब तो आपको मैं समझाऊँ तो मतलब कि फैला दिया है, एकदम फैला दिया है ट्रैक्टर से, 2 ट्रेलर एक आगे खेत है ना वहाँ पर डाले थे, बाकी सब यहाँ पर, ये 3 ढेर हैं वो बाद में हम डालेंगे या चारा लेने के बाद। तो अभी बिल को पानी पिलाने का टाइम है, और वड़ जो है वो कटिंग करके अभी आए थे, तो अब एनिमल का जो काम है वो करना पड़ेगा। तो भाई अभी श्यामा को लेके आया है यहाँ पर,
अभी ठीक से चल नहीं रही, और थोड़ा इसका जो पैर है वो भी अलन चलन से मोकरा बने ना, इसलिए लेके आया था। लेकिन अभी उसको घर ही जाना है, तो अभी धीरे धीरे जो भी आने वाली फसल है वो लगाने की शुरुआत की कर रहे हैं सब। अभी हम तो उड़ने ले आए हैं, लेकिन अभी कल से जो है हम भी शुरुआत करेंगे, मतलब कि जिन्हें लगाना है ना वो खेत तैयार करेंगे। सबसे पहले 2 या 3 खेत होंगे, तो उसमें खाली सिर्फ पाड़ बनाएंगे, जीरा नहीं लगा देंगे। पाड़ बनाने के बाद उसमें हम पानी लगाएंगे, फिर पानी थोड़े दिन सूख जाएगा, सब ग्रास भी उग जाता है पहले पानी देने से, फिर बाद में जीरा लगाएंगे, ताकि जीरा भी तरह तुरंत निकल जाए ज़मीन में से, और कोई ज़्यादा फिर बाद में से क्या है घास निकलने की प्रॉब्लम नहीं रहती। और बाकी ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी वाली जो मूंगफली वो भी बची हुई है, इसमें हम जो मूंगफली है वो अगर लेने के लिए बैठेंगे ना तो ये कब ख़त्म होगा। इसलिए अब हम क्या करते हैं, अगर ग्रास में या फिर तो कभी भी पानी जाएगा ना, तब पानी में इसको भिगो देंगे, ताकि जो ये मिट्टी मिट्टी है ना वो सब पिघल जाएगी और जो मूंगफली है ना वो ही बचेगी। ऐसा करते हैं हम हर साल। तो थोड़ी सी यहाँ पर पड़ी है और दूसरी जो है वहाँ पर बेल बांधे ना वहाँ पर पड़ी है, तो सब एक साथ होगा काम। बाकी अभी 7 बजने आए हैं और अंधेरा होने लगा है। अभी तो विंटर की सीज़न आएगी तो जल्दी अंधेरा हो जाएगा। बस मिल्किंग वगैरह सब कुछ चल रहा है और मैं बाहर बैठा हूँ यहाँ पर।